जिहड़ी पार्टी ये कहिंदी सी कि असीं रेहड़ियां वालिआं नूं एमएलए बनावांगे, असीं पेंचरां वालिआं नूं एमएलए बनावांगे, पहलां सब तो उन्हां दा रोजी रोटी खून ते इह आए। इंजन रेहड़ियां बंद करतीआं सी इन्हां ने, पर जदों देखिआ कि पब्लिक ओपीनियन बड़ा उल्ट आया वा, इन्हां ने उह अपने हुक्म वापस ले ने। मेरा यह मनना वा कि जे कोई भी इनक्रोचमेंट भी हटाउणी आ, घट्टो घट्ट उन्हां नूं कोई 6 महीने साल का टाइम तो दिओ, नोटिस दिओ कि तुसीं अपने कोई ऑल्टरनेट अपने रुजगार का प्रबंध कर लो, असीं तुहाडियां रेहड़ियां या फड़ियां जिहड़ियां सड़कां ते नहीं लगण देंगे। बिल्कुल उही तो मैं तुहानूं कह रहा वां कि जिहड़ी पार्टी ये कहिंदी सी कि असीं लोकां नूं रुजगार देना वा, तुसीं तां लोकां दा रुजगार खो रहे हो। जे तुसीं किसी रेहड़ियां वाले नूं अपरूट करना हैगा तो फिर उन्हां नूं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, उन्हां नूं कोई छोटी बूथ वास्ते जगह जिथे अपना वो रोजी रोटी कर सकन। दूसरा इंपलॉयज़ बारे मैं कहना चाहुंदा कि एक गल याद करियो कि इंपलॉयज़ दीआं कई कैटेगरीज़ दीआं भर्तियां कंप्लीट ने। मिसाल के तौर पर 5348 कॉन्सटेबल्स की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, 33% वो कुड़ियाँ भी कंप्लीट कर चुकी हैं, सिर्फ मेडिकल होना वा। पहला तो 5000 कॉन्सटेबल की अपॉइंटमेंट लैटर्स आम आदमी पार्टी की सरकार जारी करे। इस तरह ही जिहड़ा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसिज बोर्ड है, SSS बोर्ड, वो जेल वार्डर्स क्लर्क्स अते पटवारियों दीआं भर्तियां कंप्लीट कर चुके हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन डन, मेरिट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, सिर्फ अपॉइंटमेंट लैटर्स देनियां। और पिछले दिन जिहड़ियां भगवंत मान ने 716 अपॉइंटमेंट लैटर्स दित्तियां PSPCL दे इंपलॉयज़ नूं, उहदे च लोगों ने पॉइंट आउट किया, मैं अपने सोशल मीडिया के पेज पर शेयर किया, 40% नॉन पंजाबियों नूं नौकरियां चले गईआं ने। हिमाचल के हरियाणे के लोग जिहड़े डोमिसाइल उत्थों दे ने, जिहड़े पंजाब के डोमिसाइल ही नहीं गए, जिहड़े पंजाब की सिक्ख्या विभाग चों 10वीं 12वीं नहीं की, 40% नौकरियां गैर पंजाबियों नूं गईआं ने। इसलिए सरकार नूं मैं याद करवाउणा चाहुंदा कि जी सद के नौकरियां दिओ। पहलां तां जिहड़े रेडी बैठे ने और उहदे शायद ETT टीचर्स ते टेट पास टीचर्स दीआं वी नियुक्तियां सब कुछ मुकम्मल होया, तुसीं 25,000 विच ही गिण लो उहनां नूं। उह जिहड़ा 10-12,000 इंपलॉयज एबसोल्यूटली रेडी टू बी यू नो गिवन अपॉइंटमेंट लैटर्स, दे शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट लैटर्स ऑन प्रायोरिटी। यह मेरा कहना। बिजली की तुसीं गल कर रहे सी, अज पंजाब दे विच बहुत नाजुक हालात है, बहुत अत दी गर्मी है और इन्ना ज़्यादा तेल डीजल महंगा 100 रुपए लीटर दे तकरीबन हैगा, ते पंजाब दे विच पूरा हनेरा छाया पिया। उधरों झोने की तैयारी है लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई प्रबंध नहीं गा, और ये पिछे मैं समझदा कि जिहड़ा बहुत मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब मैं पर्सनली जे मेरे ते छड्या जावे, दिस इज़ एबसोल्यूटली रोंग। पहला ही PSPCL जिहड़ा वा वह 10,000 करोड़ रुपए का सबसिडी जिहड़ी आ उन्हां नूं फ्री ट्यूबवैल कनैक्शन से फ्यू ट्यूबवैल की इलैक्ट्रिसिटी नूं जा रही है। उस तो बाद 200 यूनिट जिहड़ियां सरकारां फ्री दिंदियां सी, हुण 300 यूनिट तुसीं करोगे। PSPCL इज़ ब्लीडिंग, PSPCL दे कोल रोज़मर्रा के खर्चे चलाउण वास्ते उन्हां कोल कोई पैसा नहीं गा, तनखाहां देण वास्ते पैसा नहीं, पावर तो मिल रही है सेंट्रल ग्रिड पूल दे विच्चों, पावर लैण वास्ते पैसे नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार दे कोल। इस करके ये जिहड़ा तुरंत लोगों को बिजली का प्रबंध किया जाए। एक कसूर केंद्र की सरकार का भी कोला बहुत महंगा करता उन्होंने, और सारिया इंपोर्टेंट कोल माइनस जिहड़ियां अज अडानिया के हवाले कर दित्तियां ने, कारपोरेट घराणियां के हवाले करतियां, कोला 4-5-6 गुणा महंगा हो गया। इट रिफ्लैक्ट ऑन द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इट टर्न रिफ्लैक्ट अप ऑन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दीज थर्मल प्लांट्स। जो कुछ होया उत्थे बड़ा मंदभागा वा, अगर दो गुटां दे दरमियान या दो धर्मां दे खिलाफ लड़ाई पंजाब नूं शोभदा नहीं गा, पंजाब बहुत पीसफुल लोगों की धरती हैगी आ। इहदे च मैं यही कह सकदा कि इंटैलीजेंस फेलियर है कंप्लीट, जिस एक नूं गल तां कर लैण दो जी, ये कंप्लीटली इंटैलीजेंस फेलियर आ। जिहड़ा एक पार्टी ने कोई अनाउंस किया 29 तरीक का प्रोग्राम, ते पंजाब पुलिस शुड हैव बीन मच इन टाइम गेट, जिहड़ी भी वो कोई धार्मिक स्थान जिथे कोई गल हो रही सी उत्थे उन्हूं प्रोटेक्ट करना चाहिदा सीगा। उत्थे तां कल पूरा नंगा नाच होया जंगल राज दा, और लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी पंजाब दा बहुत क्रिटिकल है। पिछले कुछ दिनों दे विच मेरे ख्याल 50-52 कतल हो चुके ने, नौजवानों तो लैके खिडारियों तो लैके ब्रॉड डे लाइट मर्डर्स होए ने। एंड यही आम आदमी पार्टी जदों ओपोजिशन सीगे बहुत शोर मचाउंदे सी, जंगल दा राज है, कानून नाम की स्थिति, कभी राघव चड्ढा PC कर रहा, कभी चीमा कर रहा, कभी कोई कर रहा, कभी कोई कर रहा, हुण उदन दे जवाब ही नहीं देंदे। और मेरा यह मनना वा कि कानून की व्यवस्था उदों तक नहीं सुधरेगी जब तक तुसीं पुलिस नूं निरपक्ष तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दोगे, जब तक तुसीं उस नूं डीपोलिटिसाइज नहीं करोगे,
ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ